हेलो नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। भावना फूड फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी के बहुत ही टेस्टी पकौड़े, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आपको अपने बच्चों के लिए बनाइए, ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसे। और बहुत ही झटपट तरीके से बनने वाली आज की ये रेसिपी है, तो रहिए इस वीडियो के साथ कंटिन्यू। तो देख लेते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। पत्ता गोभी के बहुत ही बढ़िया पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये करीब 250 ग्राम कैबेज लिया है पत्ता गोभी, और इसको मैंने इस तरह से बारीक कद्दूकस कर लिया है। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है कोरिएंडर लीव्स, इसको धो के काट लिया है, और थोड़ा सा लिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए ले लेंगे कोई भी एक बड़ा बर्तन, और इसमें हम डालेंगे ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी डाल लिया है, और इसके बाद में डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ती, और ये कटा हुआ बारीक हरी मिर्ची। इस सब को डालने के बाद में इसमें डालेंगे ये चौथाई चम्मच लिया है मैंने जीरा, लिया है जीरा डालेंगे, और चौथाई चम्मच ही लिया है मैंने ये अजवाइन। अजवाइन से हाजमा अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और साथ ही मैंने बस थोड़ी सी ली है बल्ब, बिल्कुल 2 चुटकी ली है लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची डाली हुई है मैंने, और वैसे भी इसको खाएंगे तो चिली सॉस या टमाटो केचप से। और अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है करीब 1.5 चम्मच। और इसके बाद में मैंने लिया है ये रिफाइंड फ्लोर मैदा लिया है, और इसमें मैदा डालते हुए हम इसका एक डो फॉर्म में तैयार करेंगे। जिस तरह से आटा होता है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा आटा मैदा डालकर इसे हम वाइन करेंगे, और एक साथ नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि बस इसे हम वाइन कर सकें। तो बस एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका एक डो फॉर्म में आटा रेडी करेंगे। और 1 चम्मच बड़ा मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, इससे बॉइनिंग बहुत बढ़िया आती है। आपके पास है तो आप डालिए, अगर आपके पास नहीं है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से गूंथेंगे जब तक ये कि आटे की फॉर्म में नहीं आ जाता है, चिकना कर लेंगे। तो ये एक डो फॉर्म में आ गया है, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरे पास थोड़े से बारीक वाले इस तरह से नूडल रखे हुए हैं। आपको ये कहीं भी किराना के स्टोर पर मिल जाएंगे, जहाँ पर चीनी चावल मिलता है वहीं मिल जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ, इनको तोड़ के बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे। और इसके जो कटलेट बनाऊंगी मैं, बॉल बनाऊंगी, जो भी आप शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, उसके ऊपर इसे कोट करेंगे ताकि ये चिपके ना। इस तरह से इसे बारीक तोड़ेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से बारीक तोड़ लिया है। इसके बाद में हम इसका इसके कटलेट बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, जो भी शेप आपको पसंद हो आप उसे बना सकते हो। तो बस इसे इस तरह से बनाएंगे, ये कटलेट बना रहे हैं इस तरह से, और बस थोड़ी गोल शेप देंगे इसकी। गोल शेप देने के बाद में इसे थोड़ा सा इसको हम इस पर लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा यम्मी और क्रिस्पी लगे इस तरह से। और इसी प्रोसेस से सारे कटलेट हम रेडी कर लेते हैं। इसको आप गोल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो इसमें मैदा डाला है उस वजह से थोड़ा आप इसे गोल शेप ना दें, मतलब बॉल टाइप में, इस तरह से इसे चपटा आकार दें, इससे ये अंदर भी कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से इसे सिकेंगे। तो बस इसी तरह से बना के सभी को रेडी करेंगे। तो सभी को बना के मैंने रेडी कर लिया है, और अब इन्हें करेंगे फ्राई। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, और इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तो बस सरसों का तेल हो गया है गरम, तो अब इसमें डालना शुरू करेंगे। तो एक बार आप इसे इस तरह से हाथों पे लेके और थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा चिकना कर लीजिए, ताकि इस पे जो सेवैयाँ लगी हैं वो कढ़ाई में ज़्यादा ना निकलें। तो बस इस तरह से इसे चिकना कर लीजिए, और इस तरह से हम इसे डालेंगे। और जितने एक बार में आसानी से आ जाएं आप उतने ही डाल दीजिए, और इनको कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से हल्के से गोल्डन हो गए हैं, तो बस इनको पलटना स्टार्ट करेंगे, और इनको बिल्कुल कुरकुरा होने तक, एकदम सुनहरा कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई
फ्राई करेंगे तो बस पलट देते हैं और इनको हाई और मीडियम फ्लेम पर तो करीब 4-5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल मीडियम और हाई फ्लेम पर मैंने इनको कुक किया है। ज़्यादा आप इसे हाई मत रखिए, मीडियम फ्लेम पर किया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और इसी तरह से हम सारे कटलेट बना के रेडी करेंगे। जो बाकी के बचे हैं उनको भी फ्राई करेंगे। तो सारे कटलेट हो गए हैं सिक्के एकदम रेडी और बस बहुत ही बढ़िया सिक्के रेडी हुए हैं। तो इस पकौड़ी के साथ खाने के लिए मैंने 2 मिर्ची भी फ्राई की हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।